नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी को स्वच्छ, सुंदर व अतिक्रमण मुक्त बनाने का जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। पहली पाली में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के बाद अब जिला प्रशासन ने शहर की हृदय स्थली यानी शहर के बीचों बीच निकलने वाली मोती झील को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में आज से एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें मोती झील किनारे बड़े बड़े गगनचुंबी मकानों को ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आज अहले सुबह से ही इस हाड़ कंपाने वाली सर्दी में जिला प्रशासन की भारी भरकम टीम शहर के भवानीपुर जरात में पहुंची व सबसे पहले बिहार सरकार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री स्वर राजेंद्र प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पर धावा बोला व बुलडोजर के सहारे उनके बहुमंजिले मकान के अतिक्रमित भाग को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद बारी बारी से पहले से चिन्हित 138 बड़े अतिक्रमणकारियों के बड़े व पक्के मकान को जेसीबी के सहारे गिराने का कार्य देर शाम तक जारी रहा। प्रशासन के इस कार्यवाही से एक ओर जहां उस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा, वहीं पूर्व मंत्री के पुत्र ने जिला प्रशासन पर बिना सोचे समझे व एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट अमितेश कुमार, रवि चकिया, मोतिहारी। अतिक्रमणकारी हैं, इसमें वो एकदम से उनको हटाने की कार्रवाई कर की जाएगी, चाहे इसमें कोई भी मकान है। स्वतंत्रता सेनानी अमरेंद्र प्रताप सिंह का घर है, हम उनके पुता हुए अमरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये तो मकान क्यों आपका तोड़ा जा रहा है? मकान जबरन तोड़ा जा रहा है, हम तो केस में हैं। नाप रहे हैं बिल बनवान, अच्छा नाप रहे हैं भवानीपुर जिला से, अच्छा वो भी सिवान का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, विदाउट सिलाम सिवान मूल्यांकन किए हुए साहब लोग तोड़ रहे हैं। तो ये तो अतिक्रमण में है ना मकान? अतिक्रमण में नहीं है, हाँ जबरदस्ती अतिक्रमण बना के तोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में हैं, CWJCB 3526 मेरा केस नंबर है, आज सुनवाई पर है, सुनवाई हो रहा है, उसका लिस्ट भी हम दे रहे हैं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जबरन तोड़ने का आरोप है? जबरन तोड़ रहे हैं, इतना फोर्स और इतना ही साहब लोग के सामने कौन बोलेगा भाई, घर भी टूट रहा है और डंडा भी मारेगा लोग। ये तो मंत्री जी थे ना, ये पूर्व मंत्री थे, उनका घर तोड़ा है? उनका घर है, DSP साहब है, SP साहब है, चंदौली थाना प्रभारी है।